जिला अस्पताल को जल्द मिलेगा NICU में वेंटिलेटर। चायल विधायक ने निधि से देने की घोषणा। कौसाम्बी में गरीब माँ बाप के बच्चे अब जिला अस्पताल में ही बेहतर इलाज की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। जल्द ही NICU यूनिट को वेंटिलेटर की सुविधा से सुसज्जित किया जाएगा। बीजेपी के चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता की मदद से यह संभव हो पाया है। विधायक चायल संजय गुप्ता रविवार को अपनी मां ननकी देवी की पुण्यतिथि मनाने रविवार को जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में NICU यूनिट का निरीक्षण किया, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब तक इस वार्ड में गरीब असहाय लोगों के 800 ग्राम तक के बच्चों को वेंटिलेटर न होने के बाद भी उन्हें सफलतापूर्वक बचाया जा सका है, जिस पर विधायक ने गरीबों की मदद की दिशा में नया कदम उठाते हुए अपने निधि से जिला अस्पताल में NICU यूनिट को नया वेंटिलेटर खरीदने की घोषणा की है। बीजेपी की चायल सीट से विधायक संजय गुप्ता के मुताबिक आज उनकी मां की पुण्यतिथि है, जिसको लेकर आज वह जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उनको बताया गया कि अस्पताल के NICU में वार्ड में न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल में डॉक्टर बिना वेंटिलेटर से भी सबसे अच्छा काम करके दिखाया है, जिस पर उन्होंने NICU वार्ड का खुद ही निरीक्षण कर जायजा लिया। गरीब माँ बाप को अपने बच्चों के इलाज के दूर दराज न जाना पड़े, इसके लिए उन्होंने तत्काल CM डॉक्टर दीपक सेठ के सामने घोषणा की कि वह विधायक निधि से जिला अस्पताल के NICU वार्ड के लिए वेंटिलेटर खरीद सकते हैं। देखिए, आज हमको यहाँ पे फल वितरण करने का अवसर जो है वो हमारी माता जी की पुण्यतिथि है, और आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ पर जिला चिकित्सालय में आए हैं। सभी मरीजों के अटेंडेंट से सबसे मुलाकात किया। फल आदि या अन्य सामग्री वितरण के साथ साथ मुख्य उद्देश्य था यहाँ के चिकित्सा व्यवस्था को देखना, मरीज और मरीज के घर वाले संतुष्ट हैं कि नहीं है। यहाँ पर अभी हमने देखा जो छोटे बच्चों का NICU है तो बहुत ही मेंटेन है, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को केयर हो रहा है। 800 ग्राम 900 ग्राम तक के बच्चे यहाँ पर बचाए गए हैं और अंदर हैं भी, मगर यहाँ पे वेंटिलेटर न होने के कारण जो वेंटिलेटर के केस हैं उसको यहाँ से रेफर किया जाता है। हमने डॉक्टर दीपक सेठ जो यहाँ के CMS हैं उन्हें ये प्रस्ताव दिया है कि आप CDO से वार्ता कर लें। जिला चिकित्सालय है, पूरे जिले के मरीज आते हैं, यहाँ तक कि अन्य जनपद से भी आते हैं। हमारे विधायक निधि से अगर यूज किया जा सकता है प्रस्ताव बनाकर, वो CDO से आज ही वार्ता कर लें, प्रस्ताव बना के दें। हम वेंटिलेटर जैसे आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण और जो भी आवश्यकता है हम अपने विधायक निधि से अस्पताल को दे रहे हैं।